पटना जो हमारे साथ आए हैं राजीव मिश्रा जी और हमारे साथ चलकर आए हैं राम भारत जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के हैं और इस सभा में उपस्थित आप सभी के महिला विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सबके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ ये प्रत्याशी ही नहीं है, ये आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं देवेंद्र मिश्रा जी, इस सभा में के पांडे जी जो प्रदेश सचिव हैं, आलोक निषाद जी, आनंद कुमार केवट जी, श्री धर्मेंद्र कुमार बिंद जी, एडवोकेट लव कुमार बिंद जी, श्री राम रतन चौहान जी चौधरी जी, सनी कुमार गौर जी, सिद्धार्थ बिंद जी, राकेश मौर्या जी, संजय कुमार जी, सूर्यलाल बिंद जी, शारदा प्रसाद बिंद जी, राम सत्यजीवन बिंद जी, राजकुमार बिंद जी, कृष्णा बिंद जी, विजय कुमार विधानसभा उपाध्यक्ष, आशीष बिंद जी नगर उपाध्यक्ष, श्री राधेश्याम बिंद जी एवं श्रीमान राजू पांडे जी और श्री देवरी बिंद जी और तमाम हमारे पार्टी के सभी नेता सभी पार्टी के नेतागण, युवा साथी, इस सभा में बड़े संख्या में उपस्थित माता बहन नौजवान साथी सभी को संगत मल्ला मुख्य सैनिक की ओर से नमस्कार। साथियों, मैं पहले चाहूंगा कि मैं अपने बारे में आपको बता दूं तो मैं बिहार प्रदेश में दरभंगा जिला में सुपौल बाजार और एक मछुआरा परिवार में हम जन्म लिए और आप समझ सकते हैं कि एक मछुआरा परिवार में बच्चा जन्म ले तो कितना अभाव में अपने बचपन को जिया होगा, जिसका पिताजी मछली मारता हो, दादाजी मछली मारता हो, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और गरीबी से लड़ते हुए जूझते हुए 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में हमने अपने घर को छोड़कर 2000 किलोमीटर दूर मुंबई जैसे शहर में वहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए चले गए क्योंकि अपने घर परिवार को आगे बढ़ाना था और वहाँ पे मैंने मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था और आप लोगों का आशीर्वाद से एक समय आया कि एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, हजारों लोगों ने हमारे अंदर में काम करने लगा और एक जो अमीर लोग, एक बड़े लोग जितने बेहतर जिंदगी जी सकता था ऐसी जिंदगी में जीने लगा, एक मल्ला का बेटा मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ने का काम किया। फिर मैं बिहार जब लौट के आया तो मैंने देखा कि हमारा समाज बहुत पीछे रह गया और मैं आगे निकल गया हूँ। लोग तो चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है, रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, हर हजारों तरह का समस्या है और मुझे भी ये अंदाजा था क्योंकि बचपन में तो लोग कहते ना कि यहाँ पे हजारों समस्या है, तो जहाँ हजारों समस्या होता है वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ। बचपन मैंने भी हर तरह का अभाव में जिया लेकिन बाद में काम कर मैंने कहीं ना कहीं गरीबी को भूल गया था। जब मैं बिहार आया तो मुझे एहसास हुआ कि अभी भी हमारे लोग बहुत गरीब हैं और इसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और मुझे इतना तो पता है कि ये जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है और देश में जब संविधान एक है तो फिर निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। जब निषाद के हर उपजाति, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, केवट हो, नाविक हो, हर निषाद के बेटा को बंगाल प्रदेश में नहीं मिल रहा है तो हमने सोचा कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और उनको आरक्षण दिलाए और तभी से हम 2014 से मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने लगे और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगे। साथियों, लगातार मैंने 4 साल तक लड़ाई लड़ा जी, आप हमारे साथ आइए और हमें चुनाव जिताइए और जीतने के बाद आपके समाज का हक अधिकार देंगे। तो हमें भी लगता था कि शायद ये जीत कर हमारे समाज को काम करेंगे और हम भी उनको मदद कर देते थे लेकिन लगातार 4 बार मदद करने के बाद भी हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि लोकतंत्र में जो काम देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो निषाद मल्ला का बेटा भी कर सकता है, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पे पहुंचने के लिए सिर्फ वोट की आवश्यकता है। यह वोट आपका अधिकार है
आज जितना ही वोट का ताकत देश के प्रधानमंत्री के वोट में ताकत है, या देश के सबसे अमीर व्यक्ति चाहे वो मुकेश अंबानी हो या टाटा हो, उनके वोट में जितना शक्ति है उतना भी उतना ही तक शक्ति आप एक मछुआरा मल्ला का बेटा का भी वोट में उतना ही शक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों ने दूसरे को बनाते आए हैं, हम लोग अभी संघर्ष नहीं किए, अपने बेटा को राजा नहीं बनाए। और फिर हमने निर्णय लिया एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, और हमने बिहार में एक पार्टी बना के मजबूती से हमने लड़ाई लड़ा। 2019 में चुनाव हार गए, फिर भी हमारा समाज के लोगों ने मजबूती से हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। 2019 में उपचुनाव लड़े, फिर हार गए, फिर मजबूती से हमने लड़ाई लड़ा। और 2020 आते आते निषाद का बेटा हुआ बिहार में एक ताकत और मजबूत साथी बन गया, और आज हमारे वीआईपी पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार है साथियों। लेकिन 2019 में जब हम चुनाव लड़े तो उसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि जो लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझता था, उसको लगता था कि निषाद का बेटा को कुछ खिला देंगे पिला देंगे ये वोट हमारे पास आ जाएगा, लेकिन 2019 के उपचुनाव में उनको एहसास हो गया कि निषाद का बेटा भी किसी के साथ जाने वाला नहीं है, अपने पार्टी और अपने दल के साथ जाने वाला है, और निषाद का वोट निषाद के बेटा के साथ जाने वाला है। हमने उपचुनाव में 25,000 वोट लाया, जो हम हमेशा दावा करते हैं कि हमारे पास 15% वोट है, और हमने 25,000 वोट लाकर हमने साबित कर दिया कि हमारे वीआईपी पार्टी के पास 15% वोट है, और उससे भारतीय जनता पार्टी हारा। और उनको एहसास हो गया कि बिहार में निषाद समाज हमसे दूर हो गया, इनको जब तक हक अधिकार नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और 2020 का समय आया, आपके सामने में झुका और आपको सत्ता में लिया, हिस्सेदारी दिया, आज बिहार में आज मजबूती से वीआईपी पार्टी के सहयोग से सरकार है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार निषाद का बेटा ने एक इतिहास रचने का काम किया, और बिहार में निषाद के बेटा के सहयोग से आज बिहार में सरकार बना और बिहार में मुख्यमंत्री बना, ये ताकत हमारे पास है। और हमें भी बहुत गर्व होता था, खुशी मिलता था कि हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं समाज का, और उत्तर प्रदेश में हमारा इस समाज का भाई, हमारा भाई डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें खुशी मिलता था, हमें लगा कि जब दिल्ली पे चढ़ाई करना होगा तब डॉक्टर संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश से निकलेंगे और हम बिहार से निकलेंगे, और दिल्ली तख्ता पे हम काबिज हो जाएंगे और दिल्ली सरकार को हरा के अपने सत्ता और पावर ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ, हमने 2015-16 में मैं आया, जब डॉक्टर साहब जेल में थे गोरखपुर में, मैंने जेल से उनको बाहर निकाला, हमने उनको पार्टी बनवाया, हमने चंपा देवी पार्क में रैली करवाया, लखनऊ में रैली करवाया, हर तरह से उनको सहयोग किया कि वो आगे बढ़े और समाज की लड़ाई लड़े। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2018 में सिर्फ एक साल का उपचुनाव था, और एक साल के उपचुनाव में उन्होंने क्या किया, साइकिल पे चढ़ गया और अपने बेटा को सांसद बना दिया। हमें भी लगा चलो कोई बात नहीं, पहली बार है, चलो सांसद बन गए कोई बात नहीं, आगे लड़ेंगे। फिर क्या हुआ, 2019 में अपना पार्टी रहते हुए हम बिहार में मोदी जी से लड़ रहे थे, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक टिकट पे समझौता करके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए और अपने बेटा को सांसद बना दिया। क्या हम समाज संघर्ष कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये हमारा समूह हमारा समाज आगे बढ़े उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने देखा कि एक टिकट में समझौता कर लिए, फिर 2022 का चुनाव आया, इस समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना था, और यहाँ पे जो चुनाव जीतेगा वो सरकार बनाएगा, और जो सरकार बना लेगा उसके लिए दिल्ली का सरकार 2024 में आसान हो जाएगा, दिल्ली का कुर्सी हासिल हो जाएगा। यहाँ पे हम सबको टक्कर देना था, हमने डॉक्टर साहब को कहा कि आइए दोनों भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और मोदी जी को झुकाएंगे, योगी जी को झुकाएंगे, और अपने समाज को आरक्षण दिला देंगे, और आरक्षण दे दिया जाएगा तो हजारों का हजार निषाद का बेटा को नौकरी मिलने लगेगा। हम सबको लड़ाई लड़ना है, सत्ता पावर तो आते जाते रहेगा। आज मैं बिहार से उत्तर प्रदेश आया हूँ, क्या मैं विधायक बनने के लिए, क्या मैं मंत्री बनने के लिए आया हूँ, ऑलरेडी मैं बिहार में विधायक और मंत्री बना हूँ, आज मैं कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए आया हूँ आपके हक अधिकार के लिए। आज मुझे इतना बड़ा नेता मान रहे क्यों, क्यों मैं शाहरुख खान नहीं दिखता हूँ,
मैं निषाद का बेटा हूं, निषाद के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं, इसलिए आज आप लोग हमें चाहते हैं और पसंद करते हैं। आज बिहार में चार विधायक हैं, तो कोई बाबू साहब थोड़े बना दिया। निषाद का बेटा एक एक अपने पैर पे खड़ा हुआ, चार विधायक बना और हमारे सहयोग से आज बिहार में सरकार है और हम जो चाहते वो होता है। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ एक एमएलसी में आप भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए और आपने कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा को छोड़ दिया और कुछ टिकट पे समझौता कर लिए। आपको यहाँ पे समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए, 50 सीट पर समझौता करना चाहिए। आज आपके उत्तर प्रदेश में 15% वोट है, 15% मतलब तीन हिस्सा में एक हिस्सा वोट आपके पास है। जिसके पास 45% वोट आएगा उसका सरकार बनेगा और आपके पास 15% वोट है, 403 सीट है। 403 सीट में अगर 15% सीट लेना है तो कम से कम 125 सीट पे आपका गठबंधन होना चाहिए, कम से कम 50 सीट पे गठबंधन होना चाहिए। आपने क्या किया, सिर्फ मात्र 10 सीट पे आपने गठबंधन किया और 10 सीट पे आपने क्या किया, जो कभी पार्टी के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया। और टिकट किस लिए दिया, कैसे दिया, आप सबको पता है। 5 ब्राह्मण समाज को आपने टिकट दिया, 4 आपने ठाकुर जी को टिकट दिया जो समाज के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ा, और आपने एक निषाद भाई को आपने टिकट दिया, वो भी लास्ट समय में। किस लिए दिया, कैसे दिया, कितना धन दौलत लेके दिया, हर एक व्यक्ति को छुपा हुआ नहीं है। आज मजबूती से पूरे प्रदेश में 10 का 10 सीट पे अपने समाज को लड़ाते आपका पार्टी मजबूत होता। आपने बोला कि हमारे साथ आइए, मजबूती से लड़िए, लेकिन आज आप पार्टी नहीं चला रहे, दुकान चला रहे हैं। आज बताइए, हिंदुस्तान में पहला ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा जिसका अपना पार्टी रहते हुए अपना बेटा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से गोरखपुर में लड़ा रहा है। आप बताइए कि आपकी लड़ाई कैसे जाएगा। तो भैया, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, समाज अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और समाज के हक अधिकार के लिए। एक दो विधायक एक नेता बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपके सरकार में, सत्ता में पावर नहीं होगा तब तक आपका कुछ नहीं होगा। क्या आजादी से आज तक क्या पहली बार मुकेश सहनी मंत्री बने हैं या विधायक बना है? हमारा समाज आजादी से लेकर अभी तक यूपी बिहार मिला के 200 लोगों ने आज तक विधायक, मंत्री, सांसद बना, लेकिन आपका समाज का हक अधिकार मिला नहीं मिला। लेकिन बिहार में निषाद का बेटा खड़ा हुआ, अपने दम पर सरकार बनाया, आज सरकार हमारे सहयोग से है। आज बिहार में एक एक निषाद के लिए एक एक योजना चला रहे और समाज आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आपको बताऊं, 90% तक हम अनुदान देते हैं निषाद भाई को। अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदना है तो सिर्फ 1 लाख रुपया भरिए, 9 लाख रुपया सरकार भरेगा, आपको 90% अनुदान मिलेगा। आप आगे बढ़िए। आज बिहार में गंगा जी में मछली मारना है, फ्री में मछली मारिए, अपने घर परिवार को चलाइए। आज बिहार में 32,000 तालाब है, एक एक तालाब गरीब मछुआरा के साथ हम पट्टा बना रहे हैं और सरकारी रेट पे दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसके पास ज्यादा पैसा है उनको पट्टा मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो बिहार में क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां हमारी अपनी सरकार है। आज बिहार में हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके मछली बाजार बनाने के लिए जा रहे हैं, हर एक योजना चला रहे हैं जिसमें गरीब समाज, मछुआरा समाज, निषाद का हक अधिकार हो, आज इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बिहार में हमारे सहयोग से सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो समाज के लिए करना है आप कीजिए, हम आपके साथ है। और जिस रोज हमें बिहार में मुख्यमंत्री रोकेंगे उस रोज हम सरकार गिरा देंगे, ऐसी ताकत है। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ पैसे के लिए आपके घर परिवार आगे बढ़े, फिर ये समाज कब आगे बढ़ेगा। आज मैं कहते हैं कि मुकेश सहनी जात की राजनीति का हमारा परिवार है और मजबूती से उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। इसलिए आपको आने वाला पीढ़ी के लिए, आपके आने वाला भविष्य के लिए आपको मैदान में आके लड़ना पड़ेगा। आपको ऐसे तो अभी भी आपको अच्छा बहुत कुछ होता, लेकिन आपका जो नेतृत्व करता था वो कहीं ना कहीं पीछे हट गया, इसलिए आज समाज को कुछ नहीं मिल रहा साथियों। आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मजबूती से आप विचार कीजिए, लड़ाई लड़िए, आपके समाज के लिए जो हक अधिकार की लड़ाई लड़े उनके साथ जाइए साथियों। आप जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक कुछ नहीं होगा इस देश में। आप किसी के पास जाइएगा ना, दया आ जाएगा तो भीख में आपको 2-4 रुपया दे देगा या आशीर्वाद दे देगा, लेकिन आपका हक अधिकार नहीं देगा। अगर आपका हक अधिकार है तो लड़िए,
और हक अधिकार छीनिए, और हक अधिकार छीनने के लिए लोकतंत्र में आपका वोट का ताकत है, और वो वोट देकर अपने आप को साबित कर दीजिए कि हमारे प्रत्याशी हमारे लोग मजबूती से अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं साथियों। इसलिए हमने यहाँ पे हमने देवेंद्र मिश्रा जी को प्रत्याशी बनाया है। पूरे प्रदेश में जहां पे निषाद समाज चुनाव लड़ रहा है वहां पे हमने एक भी जगह प्रत्याशी नहीं दिया। हमने दो जगह पहले से ही देवेंद्र मिश्रा जी को और चोरी चौरा में रामनाथ जी को पहले से डिसीजन ले लिया था, इसलिए हमने वहां पे प्रत्याशी दिया। और मजबूती से हमारा कर्तव्य है कि अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ना, अपने प्रत्याशी को जिताना। उसके अलावा पूरे प्रदेश में चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, हम मजबूती से उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारे। हमारा एक ही सोच है कि समाज आगे बढ़े, लेकिन समाज वो आगे बढ़े जो समाज का शुभचिंतक हो, समाज को आगे लेके चले, या समाज का जो मिशन हो वो मिशन कंप्लीट हो, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में मैं आया हूँ एक और संदेश लेकर कि मजबूती से जहां आपके लोग आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी लड़ रहे हैं, वहां मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताइए, और जहां आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पे क्या करना है आइए। भाजपा हारेगा तो क्या होगा, निषाद का आरक्षण लागू होगा, क्योंकि आपको पता है 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, और उस समय में मोदी जी को सोचना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे किसान भाई ने आंदोलन किया, मोदी जी को लगा भाई से डरा, लेकिन आप निषाद भाई से डर रहा। आज लखनऊ में बुलाकर आपको कहा गया कि आरक्षण देंगे, लेकिन लखनऊ जब आप गए तो आरक्षण का और तक भी नहीं बोला गया, और आपको कहीं ना कहीं धोखा देने का काम किया। तो आज आप अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे तो हारने के बाद लखनऊ खाली करेंगे, और जब मोदी जी को एहसास होगा, एक एक वोट को गिनती करेंगे कि हमारा योगी जी कैसे हारे, तो उनको एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज अपने सनक मल्ला के साथ है, और निषाद समाज वोट हमको नहीं दिया इसलिए हमारा सत्ता चला गया। तो उसको एहसास होगा, क्योंकि मोदी जी के लिए एक राज हार जाना जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली लड़ाई तो 2024 में होगा, जब उस दिल्ली के कुर्सी के लिए लड़ाई होगा, और उस समय एहसास होगा कि निषाद समाज हमारे साथ नहीं है। तो निश्चित तौर पे 2024 से पहले निषाद समाज को आरक्षण लागू करेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ऐसा कर देते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में योगी को सरकार को हटा देते हैं, मोदी जी को चुरात के अपने प्रत्याशी को जिताते हैं, तो मजबूती से आपके 2024 में पहले निषाद को आरक्षण देगा, फिर आपके सामने वोट मांगने के लिए आएगा। तो इसलिए साथियों मजबूती से आपके देवेंद्र मिश्रा जी हैं, मजबूती से उनको जिताइए। पूरे प्रदेश में जहां पे भी आपके वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है उनको संदेश दीजिए, उनको जिताइए, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पे भाजपा को हराइए, क्योंकि भाजपा ही आपका दुश्मन है। 8 साल 7 साल से दिल्ली में सरकार है मोदी जी का, और आरक्षण जो है वो दिल्ली से होना है। आज हमारे उपजाति को, मझवार को, हमारे बेलदार को उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिंद को नहीं मिल रहा, हमारे केवट को नहीं मिल रहा, मल्ला को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जो पिछले सरकार गलती किया, तो ये सरकार का काम है सही करना, आरक्षण देना, लेकिन नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। साथियों हम सबको मजबूती से जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के आने वाला भविष्य के लिए मजबूती से लड़ाई लड़िए। आशा विश्वास के साथ मैं आया हूँ आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कह रहे हैं किसानी जी जितना घूमना घूम लीजिए, जितना मेरा विरोध करना कर दीजिए, लेकिन 10 तारीख को आपको बताएंगे। हमने कहा भैया क्या बताओगे, ज्यादा ज्यादा हमारे 4 विधायक को खरीद लोगे, या ज्यादा ज्यादा हमारी सरकार से बाहर निकाल दोगे, या ज्यादा ज्यादा मेरी हत्या करा दोगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं जिया हूं, अजीते रहूंगा अपने समाज के हक अधिकार के लिए। तुम कल क्या आज बोलो, मैं आज का आज मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी लड़ाई जो है अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए है। उसके सामने में कोई भी किंतु परंतु हो जाए, मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा, चाहे उसके लिए जान भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। इसी आशा विश्वास के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, और ये मैं पहली बार नहीं, आप सबको पता है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में पैर रखा तो पेपर के माध्यम से हमने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उस नारा पे मैं आज भी कायम हूं, और मजबूती से आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन आपका जो अपने आप को कह रहे हैं कि बनावटी नेता, वो आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या आरक्षण के साथ वो खड़ा है। अगर वो खड़ा है तो उनको आप पसंद कीजिए, अगर वो आरक्षण के साथ खड़ा नहीं है तो अपने जाने वाला पीढ़ी के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़िए, मजबूती से लड़ाई लड़िए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं शुभकामना देता हूँ देवेंद्र मिश्रा जी को कि निषाद समाज के झंडा को, निषाद के नाव को आप आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको विशेष तौर पर धन्यवाद। हमारी नाव तो वो है
जो श्री रामचंद्र जी को हम लोग पार लगाने वाले निषाद मल्ला का बेटा है, हमारे नैया आज मझधार में फंसी है, आप सबको पार लगाना है और मजबूती से ताकत दिखाना है। और हम अच्छे तरीके से एक दो दर्जन सीट भी जीत के आ जाते हैं तो हमारे बगैर लखनऊ में किसी की सरकार नहीं बनेगा, इस यही आशा विश्वास के साथ जाता हूं। तो क्या आप लोग सहमत है? तो मैं अपने प्रत्याशी को जीत का माला पहनाना चाहता हूं और इसको आप लोग सहयोग करेंगे और मैं इनको जीत की माला पहनाता हूं। तो क्या युवा साथी आप लोग तैयार है? तो इनको पहना दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इनको जीत की माला देते, शुभकामना देते, लड़ाई लड़े और आप लोग भी लड़ाई लड़िए। लड़ाई में दो ही चीज होगा साथियों, हार या जीत, और हार से डरना नहीं है। आपको क्या मिल गया है जो आप हार जाएंगे और आपको चला जाएगा? आपको 75 साल से आप लाचारी में जी रहे हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हारने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आज आप उत्तर प्रदेश में योगी जी को हरा देंगे, 2024 से पहले आरक्षण होगा। अगर योगी जी को अगर नहीं हरा पाएंगे तो आपको आरक्षण आने वाले समय में नहीं होगा, मैं ये लिख के दे देता हूं। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा आपके आने वाले पीढ़ी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता होगा किसानी जी जितना भी भाषण दिए निषाद समाज के लिए, बिन समाज के लिए दिए, तो भैया ये हमारा परिवार है और ये हमारे परिवार है और मेरा फर्ज और कर्तव्य है कि इनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि हमारे पूर्वज हमेशा आपको मदद करते रहा, इस बार हमारी बारी है, आप लोग हमारे प्रत्याशी को जिताइए, मदद कीजिए। और आने वाले समय में हम हर जाति धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं, हमारा मानना है इस देश में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, और हम गरीब का बेटा है, हमारा हक अधिकार है कि गरीब समाज के हक हमेशा लड़ाई लड़ते रहें, उसको आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।